हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शब्दों के सार्थक क्रम को जो दर्शाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये हमारी जो है 12वीं सीरीज है। दोस्तों, 12वीं सीरीज है, इसके पहले रीजनिंग से जो है दोस्तों 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपको पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग जाके उसको विजिट करके पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है दिल्ली, लाल किला, विश्व, एशिया और भारत। ठीक है दोस्तों, विश्व, एशिया और भारत दिया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका क्रम बनाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका सही क्रम बनाना है, तो एक क्रम में बनाना है जिससे ये एकदम सुटेबल लगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये पहले आपका है दिल्ली, लाल किला, विश्व, एशिया और भारत। यहाँ पे क्रमपूर्ण आपको अर्थपूर्ण जिसे कोई अर्थ भी निकले इसका, तो ये ऐसे हमको बनाना है। दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली पहले देखेंगे, दिल्ली, लाल किला, विश्व, एशिया और भारत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले देखेंगे लाल किला। लाल किला है कहाँ पे दोस्तों, पहले हम लाल किला लिख लेते हैं। लाल किला कहाँ पे है दोस्तों, ये लाल किला है आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। और दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है दोस्तों, भारत में। कहाँ पे है दिल्ली, कहाँ पे है, भारत में, ऑप्शन 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 5 हो गया, दिल्ली कहाँ पे है, भारत में। और भारत कहाँ पे है दोस्तों, भारत कहाँ स्थित है, भारत है एशिया महाद्वीप में। भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप विश्व का एक हिस्सा है, विश्व का एक हिस्सा है एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा, पहले लाल किला, फिर देखिए ये लाल किला स्थित है दिल्ली में, और दिल्ली स्थित है भारत में, भारत में दिल्ली स्थित है। और भारत कहाँ पे है, एशिया में। एशिया कहाँ पे है, एशिया है विश्व का एक छोटा सा, विश्व का एक हिस्सा है दिल्ली। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एशिया जो है विश्व का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2, 1, 5, 4, 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, दूसरा जो दिया गया है, उस सही क्रम का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों में तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित रूप को दर्शाते हों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है कि अर्थपूर्ण क्रम में जो व्यवस्थित हों और एक यहाँ पे व्यवस्थित रूप को दर्शाता हो, ये आपको बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला जो लिखेंगे दोस्तों, पहले क्या होगा, साक्षात्कार। ठीक है दोस्तों, साक्षात्कार और यहाँ पे 2, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है चयन। साक्षात्कार है तो फिर उसका चयन होगा दोस्तों। ठीक है, उसका चयन होगा, फिर नियुक्ति होगी। क्या होगी, नियुक्ति होगी। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर होगा स्थानांतरण। क्या होगा, स्थानांतरण होगा। फिर पुनर्वास। ठीक है दोस्तों, फिर होगा पुनर्वास। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, कहाँ पे दिख रहा है आपका, 2, 5, 1, 4, 3 2, 5, 1, 4, 3 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, शब्दों में कौन सा सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पे आपके पास ग्राम, राज्य, राष्ट्र और जिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सार्थक क्रम कौन दर्शाता है, यहाँ पे देखेंगे पहले क्या होता है, पहले होता है ग्राम, सबसे छोटा ग्राम होता है। फिर उसके बाद जिला, मतलब उससे बढ़ते क्रम में हम यहाँ पे देखेंगे ग्राम, फिर जिला, फिर क्या है राज्य, फिर राष्ट्र, फिर क्या है राष्ट्र। यहाँ पे देखते हैं, पहले लिख देते हैं हम ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न में, एक
यहाँ पे आपका ग्राम हो गया, फिर क्या हो गया आपका जिला हो गया, फिर क्या हो गया राज्य हो गया, क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया आपका राज्य हो गया। फिर क्या हो गया आपका राष्ट्र, क्या हो गया राष्ट्र हो गया दोस्तों। यहाँ पे देख लेंगे सही यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ग्राम जिला राज्य और राष्ट्र ये सार्थक क्रम दर्शाता है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में लिखना है, ठीक है दोस्तों, तार्किक क्रम में यानी कि आपको तार्किक क्रम में लिखना है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना और कमरा, ठीक है दोस्तों, स्विच खोलना यानी कि स्विच ओपन करना, ठीक है दोस्तों, स्विच ओपन करना। यहाँ पे देखेंगे ताला पहले होगा, ताला आपका, फिर जो होगा चाबी, फिर होगा दरवाजा, ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा आपका, आपको होगा दरवाजा होगा, फिर क्या होगा कमरा, ठीक है दोस्तों, फिर होगा आपका स्विच। इसका एक देखते हैं, इसका एक सेंटेंस भी बन जाएगा दोस्तों, ताला जो है ओ सॉरी दोस्तों, चाबी जो है हम कहाँ पे लगाएंगे, ताले में, चाबी कहाँ पे लगाएंगे, चाबी कहाँ पे लगाएंगे, ताले में। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे तीन होगा, ठीक है दोस्तों, पहले हम चाबी लगाएंगे ताले में, ताले में जो है चाबी जो है ताले में लगाएंगे, फिर दरवाज़ा खोलेंगे, फिर कमरा दरवाज़ा खोलेंगे, कमरा में जाएंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, ठीक है दोस्तों, चाबी ताले में लगाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, कमरे में जाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 5, 4, चाबी ताले में लगाकर दरवाज़ा खोलेंगे, कमरे में जाके स्विच ऑन करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों में शब्दों के तर्कसंगत और अर्थपूर्ण यथाक्रम को दर्शाता है। यहाँ पे करना क्या है, वहाँ यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है दोस्तों, उनकी यात्री वाहन क्षमता के अनुसार यहाँ पे क्रमबद्ध करना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यात्री जो है यात्री वाहन क्षमता के अनुसार क्रमबद्ध करना है, यहाँ पे यही आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, स्कूटर जो होता है, स्कूटर पे मैक्सिमम जो है 2 से 3 लोग ही, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया वैसे, 3 नहीं तो 2 ही लोग बैठते हैं स्कूटर पे। पहले हो गया आपका स्कूटर, क्या हो गया आपका स्कूटर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, स्कूटर के बाद कार हो गया दोस्तों, कार, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कार हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, कार के बाद हो गया आपका बस, क्या हो गया दोस्तों आपका, कार के बाद क्या हो गया, बस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, हवाई जहाज़, फिर क्या हो गया आपका, हवाई जहाज़, फिर रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी हो गया आपका, रेलगाड़ी, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे कम जो यात्री बैठते हैं स्कूटर में, फिर उसके बाद मतलब बढ़ते क्रम में यहाँ पे दिया गया है, यात्री की क्षमता अनुसार दिया गया है दोस्तों, पूछा गया आपसे तो यहाँ पे फिर स्कूटर, फिर उसके बाद कार, फिर उसके बाद बस में, फिर हवाई जहाज़ में, और सबसे ज़्यादा यात्री किस में बैठते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा यात्री रेलगाड़ी में बैठते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, 3, 4, यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसी तरीके से हम इसको क्रमबद्ध करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके इसी तरह से क्रमबद्ध करेंगे दोस्तों, आपको PDF में इसका जो है ऑप्शन सही मिल जाएगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपका सही यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है सही ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपको PDF में मिल जाएगा, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है, एक जो है सुटेबल रूप में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है चुनाव पहचान पत्र, चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करना, मतदान की पात्रता, मतदान करना, चुनावी सूची में नाम, मतदान के अधिकार के लिए आवेदन करना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतदान के अधिकार के लिए आवेदन करना,
तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो आपको क्या होना चाहिए, आपको पात्रता होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो उन्होंने दे रखा है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, तो आप वोट यानी कि मतदान करने के लिए आपकी एज हो गई है, तो इसके लिए पात्रता पहले होनी चाहिए आपकी पात्रता, ठीक है दोस्तों। फिर उसके लिए आपकी अगर पात्रता हो गई दोस्तों, तो आप फिर आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। आप आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका चुनाव पहचान पत्र आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको चुनाव पहचान पत्र मिलेगा, फिर चुनावी सूची में आपका नाम आएगा दोस्तों, फिर आप मतदान कर सकेंगे, ठीक है। आप फिर उसके बाद मतदान कर सकेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पहले आप मतदान की पात्रता होनी चाहिए आपके पास, आप मतलब उसकी एज हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपकी एज हो गई दोस्तों, तो फिर आप आवेदन करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद चुनाव पहचान पत्र आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपका सूची में नाम आएगा, फिर आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप मतदान कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्रम स्थापन तर्कपूर्ण एवं यहाँ पे चिन्हित करना है आपको, विकल्प सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, पहले जो है यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से आपका चयन करना है, पोस्ट के हिसाब से। जैसे आपका पहले होता है गांव में होता है जो दोस्तों, जैसे आपका गांव में हो गया प्रधान, फिर उसके बाद DDC, फिर उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे सांसद हो गए, फिर उसके बाद ऐसे हो गया दोस्तों। यहाँ पे फिर ऐसे ही करना है, पहले आपका हो जाता है सांसद, क्या होता है दोस्तों, सांसद होता है। फिर उससे ऊपरी पोस्ट किसकी होती है, उससे ऊपरी पोस्ट होती है दोस्तों, यहाँ पे पहले हो गया सांसद, फिर उससे ऊपरी पोस्ट होती है जो गृहमंत्री होते हैं, ठीक है दोस्तों, गृहमंत्री होते हैं। फिर होते हैं उप प्रधानमंत्री, कौन होते हैं, उप प्रधानमंत्री, फिर होते हैं प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद होता है राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन का देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए 4 3 5 2 1, ठीक है दोस्तों। सांसद, फिर गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें भी क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों, यहाँ पे भी बढ़ते क्रम में हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो होगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आपका मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका दिया गया है मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको सही दर्शाना है जो एक सुटेबल क्रम में रहे और अर्थपूर्ण भी रहे दोस्तों। यहाँ पे अर्थपूर्ण भी कहा गया है कि अर्थपूर्ण भी व्यवस्थित क्रम, अर्थपूर्ण क्रम में भी व्यवस्थित करना है, यहाँ पे तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्या होता है, मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर, फिर होता है आपका सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, फिर आपका होता है डेसीमीटर, ठीक, फिर होता है आपका डेसीमीटर, फिर क्या होता है मीटर, क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है, फिर उसके बाद होता है आपका हेक्टोमीटर, क्या होता है, हेक्टोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर होता है आपका, हेक्टोमीटर होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका दिया गया है 3 2 5 4 1 3 2 1 5 4 3 5 2 1 4 3 5 2 4 1, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 5 2, यहाँ पे 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।